हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज मैं आप लोग को अपने गार्डन की सैर कराऊंगी और एक छोटी सी रेसिपी बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पका लिए हैं और यहाँ धनिया धोकर काट रखा है और इन सब को मैं अब ग्राइंड करके चटनी बना लूँगी। तो हो गया मेरी चटनी तैयार। अब चलिए, अब मैं अपने टेरेस पर आ गई हूँ, दिखाती हूँ इन सब को। हनी बनी भोजन करके चले गए थे, तो अब इन सब में हनी बनी को गए हुए कितने के 4-5 रोज हो गए। धीरे धीरे इन सब को सींचना और कुछ इन पर मेहनत करने के बाद देख सकते हैं इन सब में फिर से नई खोपली आ चुकी है। और ये नींबू का पेड़, फल तो है इसमें पर पत्ते सारे गिर रहे हैं, मुझे तो डर लग गया। पर मेरी मम्मी ने बताया कि नहीं, अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है इस वजह से पत्ते गिर रहे हैं, तो मुझे संतुष्टि हो गई। और यहाँ जो प्याज अभी के टाइम में और लहसुन में जो कोपले निकल आते हैं, तो उन सबको मैंने इन गमलों में लगा दिया और ये पेड़ पौधे का रूप धारण कर चुके हैं। वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि यही सब मैंने थोड़ा नया किया है। और यहाँ भिंडी के पत्ते भी हनी बनी खा गए थे, तो इनमें भी नहीं कोपले और इन गमलों में भी लहसुन लगा हुआ है। लगभग कुछ गमलों में मैंने ये लहसुन और प्याज को डाल दिया है और ये सब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। तो जो स्प्रिंग ओनियन होती है, स्प्रिंग गार्लिक, उसका आनंद आएगा। और इन सब को हनी बनी खा गए थे, तो इन सब में भी कोपले आ चुकी है। और इसमें नए पेड़ भी मैंने बीज डाल दिए थे पेड़ में से तोड़ कर, वो बीज भी आ रहे हैं। और धनिया भी मैंने इसमें बो दिया था, वो धनिया भी लग रहा है, धीरे धीरे जम रहा है। कुछ खास नहीं जमा है धनिया, लेकिन जम रहा है धीरे धीरे। और यहाँ देख सकते हैं ये वाइट अपराजिता खिल चुका है, अच्छा सा अब खिल रहा है वाइट अपराजिता। और ये मोगरा है, इसकी कटिंग की गई, पुराने पत्तों को हटाया गया है। और ये टमाटर का पेड़, और ये है जैस्मिन, ये तो आग का पेड़ आप लोग पहचानते ही होंगे। और इसमें मैंने मेथी बोए थे, तो मेथी भी जम रहे हैं और ये मुझसे फूट गया, आप लोग को पहले बता चुके हैं। और ये है रोज़, इसमें बर्ड आ गए हैं, इस पेड़ में अभी नहीं बर्ड लगा है। और इस सब में आप देख सकते हैं कि इस समय मेथी अच्छे से जम चुका है, यहाँ देख सकते हैं मेथी अच्छे से जम चुका है। और ये करेला भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मेथी भी जमा है और मैं टमाटर भी बड़ा हो रहा है, इसमें भी मेथी है। और इस सब में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और इस समय पहले, बहुत पहले मैंने धनिया बोए थे जो नहीं जमे, तो अब धीरे धीरे निकले हैं। और अभी सिंपल एक यही फूल है मेरे गार्डन की शोभा में। और यहाँ देख सकते हैं ये मिर्च का पेड़, इसमें भी कोपले आ चुकी हैं, ये सब थोड़ा टर्न हुआ, चेंज हुआ है। और यहाँ मैंने छोटे छोटे डब्बों में जो खाली थे, इन सब में मैंने मिट्टी भर कर उस पुराने गेंदे के पौधों में सब डालियाँ तोड़ तोड़ कर लगा दी थी, तब ये भी कोई आधा सूख चुका है इसमें, आधा लग चुका है। तो देखते हैं, इसमें तो पूरा ही सूख, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट 2 दिन के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये लहसुन और प्याज के पेड़ बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, देख लीजिए। इसमें तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं लहसुन और प्याज,
इसमें भी है। और सबसे मुझे खुशी हुई थी इस बात की कि मेरा धनिया भी जम चुका था। आज मैं जब आई छत पर तो मैंने देखा कि मेरा धनिया भी, लहसुन प्याज तो बड़े हो ही गए थे, प्लस में मेरा धनिया भी बड़ा अच्छा से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। इन सब में धनिया नहीं, इसमें है धनिया, इसमें भी है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जम चुका है। तो दोस्तों अब मुझे बाज़ार से धनिया लाने की बेचैनी नहीं रहेगी। और यहाँ कुछ फूल, गेंदे के फूल और गुलाब के, गुलाब और गेंदे पतिदेव ले आए थे तो उनको भी उन्होंने लगा दिया है। अब इसकी देखभाल मुझे करनी है। अब देख सकते हैं गेंदे पेड़ में लगे ही हुए थे, ये मेरे यहाँ नहीं खिले हैं। और ये पिंक रोज और एक येलो रोज, ये दो रोज भी आए हैं गेंदों के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा गार्डन, टेरेस गार्डन और टेरेस फार्मिंग? और प्लीज यहाँ मैंने मीटर देखा है कि सब्सक्राइब से ज़्यादा अनसब्सक्राइब लोग देख रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो मेरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए कि यहाँ नया जैस्मिन भी आया है। तो जिन लोगों को मेरा गार्डन अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए नई वीडियोस लेकर आ सकूँ, नई रेसिपीज अपने गार्डनिंग की, नई वीडियोस। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।